संगरोधक के पास रहे 25 से 30 कमरों की चोरी हो चुकी है। जी हाँ, स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीरभूम जिला प्रशासन द्वारा रामकृष्ण शिल्प विद्यापीठ कॉलेज को प्रवासी श्रमिकों के लिए संगरोधक केंद्र बनाया गया है। आज सुबह उसी कॉलेज के एक छात्रा ने कंप्लेन की है कि उसके कमरे का ताला टूट चुका है और सारी चीजें बिखर चुकी हैं। ऐसे ही आसपास के तकरीबन 30 कमरों में खुली लूट हो चुकी है। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके कॉलेज के दस्तावेज फाड़ दिए गए हैं, सारी चीजें चोरी हो चुकी हैं और 8,000 नगद रुपए भी चोरी हो चुकी हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सरे थाना के पुलिस द्वारा छानबीन जारी है। আমার নাম রীতি সাধু।